हेलो फ्रेंड्स, आपने मिनिमम वेज तो सुना ही होगा। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि मिनिमम वेज क्या होता है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा और क्लैरिटी दूंगा मिनिमम वेज के ऊपर, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, किस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मिनिमम वेज के ऊपर। मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं हम लोग अनअवेयर होते हैं मिनिमम वेज की डेफिनेशन को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स कनेक्ट विद संजय। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मिनिमम वेज। सो मिनिमम वेज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्ट के प्रोविजंस क्या है। सो देर इज़ ए एक्ट विच इज़ कॉल्ड मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। सो एज़ पर मिनिमम वेजेज एक्ट, ये ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को एक सेट ऑफ अमाउंट होता है जो मैंडेटरी होता है देना एज ए वेजेज। एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव सर्टेन अमाउंट टू द एम्प्लॉय एज ए मिनिमम वेज। सो मिनिमम वेज एक ऐसा वेज अमाउंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता है कि वो मिनिमम वेज की अमाउंट एम्प्लॉयज़ को हर महीने प्रोवाइड करे। सो मिनिमम वेज एक डे के बेसिस पर डिसाइड होती है, यानी कि सपोज अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मिनिमम वेज 500 डिसाइड किया है, तो 500 इंटू 26 को अगर मल्टीप्लाई करके जो फिगर निकलती है, उस वो एक मिनिमम वेज होता है पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए पर मंथ बेसिस पर। गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है कि मिनिमम वेज डिसाइड करने से पहले जो करंट में इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसलिए उसको पीरियडिक रिव्यू करती है, यानी कि हर 6 मंथ पर मिनिमम वेज रिव्यू की जाती है और जो इन्फ्लेशन होता है उस को ऐड करके, उसके इंडेक्स को ऐड करके एक फिगर बनाते हैं जिसको VDA बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस। सो मिनिमम वेज के अंदर एक फिक्स परसेंटेज होता है, एक VDA होता है, यानी कि दोनों फिगर क्लब करके एक मिनिमम वेज बनती है। VDA इज़ ऑलवेज वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, जो हर 6 महीने के ऊपर रिव्यू करके जो एडवाइजरी बोर्ड होता है मिनिमम वेजेस के अंदर, वो गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं और गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली रिव्यू करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो मिनिमम वेज को प्रोवाइड करे जो करंट मिनिमम वेजेस का रेट होता है उसके बेसिस पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मिनिमम वेज का बाइफरकेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमको देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिमम वेज का। मिनिमम वेज ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए एक ऐसी अमाउंट जो कि उसको चाहिए वो मिलना चाहिए। ओवर एंड अबो कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर देना चाहता है तो उसमें कोई गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। यानी कि सपोज अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 5000 रुपीज़ का मिनिमम वेज है और एक एम्प्लॉयर उसके एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए अगर उसके ऊपर 2000 एड ऑन करके वो सपोज उसको 7000 रुपीज़ देना चाहता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई नॉन कंप्लायंस है। बट अगर 5000 से नीचे, यानी 5000 से नीचे अगर कोई भी अमाउंट डिसाइडेड है और एम्प्लॉयर उसको रिड्यूस करके, यानी कि 4500, 4900 कोई फिगर देना चाहता है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए नॉन कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मिनिमम वेजेस एंड पे टू द एम्प्लॉय। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव एटलीस्ट मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉय। अभी हम बात करेंगे कि मिनिमम वेज, हमको क्लियर हो गया कि मिनिमम वेज क्या होता है, मिनिमम वेज की डेफिनेशन क्या होती है, VDA क्या होता है, VDA एड ऑन करते हैं उसमें मिनिमम वेज के अंदर 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फिगर निकलती है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलती है। रिडक्शन मिनिमम वेज के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये नॉन कंप्लायंस हो जाती है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेज की कंप्लायंस नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजंस होते हैं, फाइन का प्रोविजन होता है, उसको रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक्ट में डिफाइन है वो उसको मेंटेन करने होते हैं। गवर्नमेंट मशीनरीज इसके ऊपर काम करती हैं, जो समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं कि एम्प्लॉयर ने कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं की है, और जो एक्ट का इंटेंट है वो एक सही मायने में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको मिनिमम वेज के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव
मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसको मैं रिव्यू करके आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, या जिनको इस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, जिसको उनकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अगले नए वीडियो में मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके साथ आपके पास फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।